आज आपको निकालना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे हम निकालेंगे, दो वेक्टर के बीच में एंगल आपको निकालने के लिए बताएंगे, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है, ठीक है ना। जैसे वेक्टर में होता क्या है, जैसे एक वेक्टर जो आप लेते हैं जिसको आप डायरेक्शन के साथ दिखाते हैं, तो एरो लिया जाता है, ठीक है ना। इस एरो को हम कहते हैं हेड, इस एरो को हम क्या कहते हैं, हेड, और इसको हम कहते हैं टेल। एक हेड होता है, दूसरा क्या होता है, टेल होता है, ठीक है ना। तो दो वेक्टर को जब आप ज्वाइंट करते हैं, जैसे आपका एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब आप ज्वाइंट करेंगे, तो दोनों का टेल यहाँ पर है, दोनों का टेल यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, दोनों का हेड यहाँ पर है। तो टेल और टेल से जब ज्वाइन करता है तो एंगल का फॉर्मेशन होता है, टेल से टेल जब ज्वाइन करेगा तो एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ थीटा जो होगा ये क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का ये एंगल कहलाएगा। थीटा जो होता है एंगल कहलाएगा ए और बी के बीच में, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में जब आप एंगल निकालेंगे, तो यहाँ से जैसे कि अगर दोनों का हेड अगर ज्वाइन करता है, जैसे ये दोनों का हेड यहाँ पर है, जैसे ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, तो यहाँ पर ये दोनों वेक्टर का जब, जैसे इसका टेल यहाँ पर है और इसका टेल यहाँ पर है, और दोनों का हेड जब आप यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो ये जो फॉर्मेशन होता है थीटा का, इसको कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना। मतलब थीटा क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल यह कहलाता है, ठीक है ना। मतलब आप बोल सकते हैं कि वेन हेड टू हेड, मतलब हेड से हेड मिलेगा एंड टेल टू टेल, टेल से टेल मिलेगा, देन एंगल इज फॉर्म, तब जाके क्या बनता है, एंगल बनता है। जैसे हेड से हेड मिलेगा और टेल से टेल मिलेगा तो क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक है ना। वेन हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, देन वेन हेड टू हेड एंड टेल टू टेल आर ज्वाइंट, मतलब ज्वाइंट मतलब मिल जाता है, आर ज्वाइंट, देन एंगल इज फॉर्म, तब जाके एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब जैसे एक दो वेक्टर आपका दिया हुआ है, जैसे एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, अब दोनों का हेड टेल यहाँ ज्वाइंट हो रहा है, जैसे एक का टेल यहाँ पर है, दूसरा का हेड है। जैसे बी वेक्टर आप ले रहे हैं, तो इसका हेड यहाँ है, टेल यहाँ है, इसका हेड यहाँ है, तब ये एंगल नहीं बनाएगा। थीटा जो होगा आपका, ये जो होगा नॉट एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर थीटा जो होगा आपका एंगल नहीं कहलाएगा, ए और बी के बीच में ये एंगल नहीं कहलाता है, ठीक है ना। अब इस केस में क्या करेंगे, जैसे इस केस में हम प्रोसीड करते हैं, जैसे आपका ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो जैसे बी का टेल, बी का हेड यहाँ है और इसका हेड यहाँ है, मतलब आपका यहाँ ज्वाइंट कर रहा है टेल टू हेड। तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या कि ये इस वेक्टर को जैसे कि प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड कीजिएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो वेक्टर आपका है, जैसे बी है ना, तो बी को उठा के आप यहाँ ले आइए, बी को उठा के हम ले आए, ये बी वेक्टर है ना, इसको उठा के यहाँ पर ले आए। जैसे उठा के लाएंगे तो ये टेल जो था अब यहाँ आ गया, है ना, और इसका टेल तो पहले से यहीं पर है। तब ये जो बनेगा ना, जैसे ये थीटा था, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये कहलाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब ए और बी के बीच में ये एंगल कहलाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। या आप इसको इस तरफ भी प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे आपका ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को आप जब लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, ये कहलाएगा आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के बीच में ये एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर 180 माइनस थीटा जो होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच का जब एंगल होगा ये, तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। जैसे ए वेक्टर है और एक आपका बी वेक्टर है, ठीक है ना।
और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये तो एंगल होगा नहीं, ये तो आपको पता है। इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ा के देखेंगे। जैसे इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ए वेक्टर यहाँ है और ये बी वेक्टर आपका है, तो इसको जब आप आगे की तरफ बढ़ाइएगा, ठीक है ना, तो बी वेक्टर शिफ्ट करके यहाँ आ गया, तो ये 60 था, तो अब ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, मतलब ये वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 120, मतलब ये थीटा इक्वल टू कितना निकल गया, 120। दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये आपका कहलाएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच भी एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कोई भी वेक्टर के बीच का एंगल आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको उतारिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है, जिसमें आपका फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, तो उसे निकालिए। ए और बी के बीच का एंगल 110 है, ए और बी के बीच में 130 है, और ए और बी के बीच 30 डिग्री है, तो एक्चुअल में एंगल क्या होगा ए और बी के बीच में, ये आपको निकाल के बताना है, ठीक है ना। डायरेक्शन निकालने आ जाएगा तो बहुत सारा क्वेश्चंस में इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जब निकालिएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि बिना डायरेक्शन का तो वेक्टर होता ही नहीं है। वेक्टर का मतलब ही है डायरेक्शन, क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, दिशा भी होगा, मात्रा तो होगा ही, दिशा भी होगा, क्या। तो डायरेक्शन जब हम बनाएंगे तो इसमें चार डायरेक्शन होगा, जैसे आपका नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है जिसको एन से दिखाते हैं, ठीक है ना। साउथ है जिसको आप एस से दिखाते हैं, वेस्ट है जिसको आप डब्लू से दिखाते हैं, ईस्ट है जिसको आप ई से दिखाते हैं, मतलब नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, है ना। अब यहाँ जो वैल्यू आप देख रहे हैं, जैसे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम बात करेंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये चार डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो चार डायरेक्शन में जैसे कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी हिसाब से हम इसको लोकेट करेंगे। जैसे बोले है कि एक बॉडी जो है, क्वेश्चन रहेगा कि अ बॉडी मूव्स, एक बॉडी मूव्स करता है टुवर्ड्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलता है, एक बॉडी चलता है, मूव्स मतलब चलना होता है, ठीक है ना, टुवर्ड्स उसके तरफ, टुवर्ड्स मतलब होता है उसके तरफ, है ना, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ चल रहा है, ठीक है ना, विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड कवर्ड, और कवर करता है, कवर्ड 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। अ बॉडी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड कवर्ड 5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है ना, देन कन्वर्ट इट, तब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट। जब इसको कन्वर्ट हम करेंगे तो कन्वर्ट करने में क्या होता है आपका, जैसे आपका एक बॉडी नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, जैसे आपका डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये आपका ईस्ट हो गया। अब एक बॉडी यहाँ पर है, मतलब एक आदमी यहाँ पर है, और यहाँ से चल के कहाँ पर चला, नॉर्थ की तरफ, ए पर पहुँच गया, कितना मीटर, तो ये आपका हो गया 5 मीटर, है ना, 5 मीटर नॉर्थ की तरफ चला। तब डायग्राम में तो आप दिखा दिए इसको, क्या। अब वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको दिखाएंगे, जैसे ए वेक्टर हम निकालने के लिए हमको बोल रहा है, तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, ओ ए वेक्टर, और ओ ए वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या, तो ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस होता है, देखिए ऊपर की तरफ हम बात करेंगे तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, और ये माइनस वाई एक्सिस, ये कितना हो जाएगा प्लस आई कैप, ये कितना हो जाएगा माइनस आई कैप, और ये कितना हो जाएगा प्लस जे कैप, और ये कितना हो जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ जब जाएगा ये, तो ये कितना ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस जे कैप, है ना, तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस जे कैप, ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा
प्लस जे कैप। जी जे क्यों लगाए, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्स की तरफ जाएगा तो वाई कैप, वाई की तरफ जाएगा तो जे कैप, नीचे जाएगा तो माइनस जे कैप, लेफ्ट हैंड में जाएगा तो माइनस आई कैप, ऊपर जा रहा है तो इसको हम क्या देखा है, फाइव जे कैप। अब ये चीज़ जो इतना जो लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना ही चीज़ जो है इस चीज़ को बता देगा, है ना। कोई आदमी पूछ देगा 5 मीटर जाना है नॉर्थ की तरफ, बस लिख दीजिए 5J कैप। बस समझ आ गया, मतलब ये इतना लाइन नहीं लिखा, आप इसे एक पॉइंट भी लिख दीजिए। यही वेक्टर का एडवांटेज होता है क्वेश्चन बनाने में, कि बहुत सारा बड़ा बात को छोटा बात में कन्वर्ट कर देगा, है ना। बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स जो होगा वेक्टर में आसानी से बन जाता है, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको लगेगा हाँ वेक्टर अगर हमको आता है तो न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। 12th में तो खास करके ज़्यादा दिक्कत होता है, वेक्टर का आइडिया नहीं रहेगा तो 12th का सारा क्वेश्चन वेक्टर में बनता है, ठीक है ना। अभी जो मैग्नेटिज्म जब स्टार्ट किया है, मैग्नेटिज्म पूरा इसी पर चलेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह है, ठीक है, ए 5J कैप। इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा कि अ बॉडी मूव्स 3 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। अगर इस तरह से दिया रहेगा अ बॉडी मूव्स 3 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तो इस केस में क्या होता है कि जैसे आप एक बॉडी है, यह आपका नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जैसे नॉर्थ की तरफ जा रहा है और यह आपका साउथ है, ठीक है ना, और यह आपका वेस्ट है, ठीक है ना, और यह आपका ईस्ट है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधे एल लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए एस लिख दीजिए, ये वेस्ट हो गया, है ना। अब देखिए एक बॉडी जो जा रहा है कितना, 3 मीटर नॉर्थ ईस्ट, मतलब 3 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट लिखने का मतलब क्या होता है कि ईस्ट से आप कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। ईस्ट से कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। कितना मीटर जा रहे हैं, 3 मीटर, कितना एंगल से जा रहे हैं, 30 डिग्री। इसका ये मतलब होता है, मतलब आप जब आप चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। देखिए एक आदमी यहाँ से चला, ओ से चला और कहाँ पहुँच गया, ए पर पहुँच गया, कितना मीटर, 3 मीटर, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 मीटर है, और ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना एंगल से जा रहा है, 30 डिग्री। कितना एंगल से जा रहा है, 30 डिग्री, है ना। और पिछले क्लास में आपको बताया था एंगल जब दिया रहता है, जैसे ए वेक्टर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, और इसको हम क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा लिखते हैं, एक्स वाई, जैसे ये आपका हो गया आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस है, और ये हो गया प्लस जे कैप। वेक्टर फॉर्म में जब इसको दिखाएंगे तो ओ ए वेक्टर जब लिखिएगा, ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप हो जाएगा, वाई कंपोनेंट जे वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो जब इसको तोड़िएगा ए वेक्टर को, तो एक्स कितना है, ए कॉस थीटा आई कैप, ए ये कितना है, ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो यहाँ पर ए वेक्टर का जो वैल्यू आएगा, ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा कितना है, ए का वैल्यू कितना है आपका, तो 3 है, तो 3 कॉस, और थीटा कितना है, 30 डिग्री है ना, ये आई कैप हो जाएगा, 3 साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री, ये आपका जे कैप हो जाएगा। मतलब ए वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 आई कैप, साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 जे कैप, मतलब ये आपका हो जाएगा 3√3/2 आई कैप और 3/2 जे कैप, मतलब ए वेक्टर निकल गया, मतलब ए वेक्टर का जो वैल्यू होगा आपका ये कितना हो जाएगा, 3√3/2 आई कैप और 3/2 जे कैप, ठीक है ना। मतलब कि आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वेक्टर फॉर्म में तो निकल गया, है ना। अब बॉडी मूव 3 मीटर नॉर्थ ईस्ट, कन्वर्ट इट इंटू वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो ये निकल गया आपका वेक्टर फॉर्म। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर फॉर्म बोला जाता है। मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लीजिए, देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 27/4, ये कितना आ जाएगा 9/4। इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 437 + 9 कितना आ जाएगा, √36/4, मतलब √9 कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। यही चीज़ है ना, 3 मीटर नाप गए हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म में निकालने से बहुत सारा काम में काम, जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दे देगा, वेलोसिटी निकालने के लिए दे देगा, मोमेंटम निकालने के लिए दे देगा, टॉर्क निकालने के लिए दे देगा, जब आगे हम पढ़ाएंगे चैप्टर में तो इस सब का यूज़ होगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं पता रहेगा तो आप बना ही नहीं पाइएगा।
है ना। 12th में जाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दे देगा, ये सबका यूज़ वहाँ होता है। ठीक है, ये तोड़ने आना चाहिए आपको, ये तोड़ने का टेक्निक है बस ये। अब इसमें कुछ नहीं है, इसको एक बार दो बार अपने से कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कहाँ से बनेगा, फाकीबाजी करने से थोड़े बनता है क्या। तो कन्वर्ट करना है आपको वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। 4 मीटर 30 डिग्री वेस्ट नॉर्थ, 5 मीटर 60 डिग्री। सारा क्वेश्चन हम कल बताएंगे आपको, पहले आप लोग अपने ट्राई करना है, ठीक है ना। पहले आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, तब हम कल बताएंगे। 6 मीटर 2 आवर्स साउथ, 8 मीटर 30 डिग्री साउथ ईस्ट, 9 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, 10 मीटर 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ, 8 मीटर 60 डिग्री वेस्ट नॉर्थ, 10 मीटर 30 डिग्री साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ लिखिए, ईस्ट साउथ, 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 8 मीटर 60 डिग्री साउथ वेस्ट, 7 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 8 मीटर वेस्ट साउथ। ठीक है ना, इसको कन्वर्ट कीजिए वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अपने से बनाइए, जितना बनेगा से बनेगा, नहीं बनेगा तो कल डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है।